अभी हाल ही में इंडिया और जिम्बाब्वे की सीरीज हुई, जहां पर टीम इंडिया ने 4-1 से इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। और इस सीरीज में कप्तानी करते हुए दिख रहे थे शुभमन गिल, जिन्होंने इस सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी की, इसके साथ ही कप्तानी भी ठीक ठाक की। लेकिन अब उनकी कप्तानी पर पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर अमित मिश्रा का एक बड़ा कमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शुभमन गिल जो है उनको कप्तानी करने का आइडिया नहीं है। उन्होंने ये जो बातें हैं वो आईपीएल 2024 के बेसिस पर कहीं। क्या उन्होंने कहा, चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि किस तरीके से उन्होंने आईपीएल 2024 में कप्तानी की, ये हम सभी को पता है, जहां पर वो काफ़ी ज़्यादा क्लूलेस दिख रहे थे और वहां पर उनको कप्तानी करने का आइडिया भी नहीं था। और ऐसे में टीम इंडिया ने उन्हें जिम्बाब्वे दौरे के लिए कप्तान बना दिया गया, और उनको ऐसा भी लगता है कि जिम्बाब्वे दौरे के लिए उनको कप्तान उनके इंडियन टीम में होने की वजह से बनाया गया, यानी उनका इंडियन टीम में एक जगह है और जिस वजह से उन्हें इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि काफ़ी क्लूलेस शुभमन गिल दिखे। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जरूर सीरीज जो है 4-1 से जीती, एक वापसी की सीरीज में, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उनको कप्तानी करने का आइडिया नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और ऑप्शंस दिए जो कि इंडियन टीम के कप्तान बन सकते हैं, जिसमें उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वो सीएसके की कप्तानी करते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस भी है। इसके अलावा उन्होंने संजू सैमसन का नाम लिया, जो कि राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हैं। अब अगर देखा जाए तो टीम इंडिया जो है शुभमन गिल की कप्तानी में अपनी पहली सीरीज जीत गई, और शुभमन गिल ने जो कप्तानी की वहाँ पर, उनकी उस कप्तानी की वजह से 4-1 से जिम्बाब्वे की टीम ने सीरीज जो है हारी, और 4-1 से इंडियन टीम इस सीरीज़ को जीती। और जिस वजह से अगर देखा जाए तो टीम इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। पहला मुकाबला हारी जरूर, लेकिन उसके बाद कमाल का प्रदर्शन करते हुए कमबैक किया, और पिछले जो 4 मुकाबले हुए तो उसमें सभी मुकाबलों में जीत प्राप्त करके इस सीरीज़ को अपने नाम कर लिया। अब देखना होगा किस तरीके से शुभमन गिल आगे की सीरीज़ों में खेलते हैं, क्या उनको दोबारा कप्तानी का रोल मिलेगा या नहीं, ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।